नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा विकास योजना 2035 के प्रारूप में विसंगति एवं विज्ञापन प्रक्रिया में दोषपूर्ण होने के संबंध में जानकारी देने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। श्री मिश्रा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते समिति का सदस्य हूँ। मुख्य रूप से रीवा विकास योजना 2035 में शामिल किए जा रहे ग्रामीण विभाग से संबंधित जनहित को सुरक्षित करना मेरा कर्तव्य है। मिश्रा ने बताया कि 13 नवंबर 2021 की बैठक के उपरांत रीवा विकास योजना 2021 एवं पुनः लागू की जाने वाली रीवा विकास योजना 2035 का संक्षेप अध्ययन के बाद उन्हें जानकारी हुई कि प्रशासन के द्वारा आम जनमानस के विरुद्ध एवं सत्ताधारी राजनेताओं के सुनियोजित हित में दोहरा मापदंड अपना रहा है। इससे पूर्व में रीवा विकास योजना 2010 में जो प्रस्ताव शामिल नहीं थे, जैसे लालपा तालाब प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, गोल पार्क बिछिया में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, उक्त भूमि विकास सुधार अधिनियम अनुरूप ऐसी भूमियां जिनमें पूर्व से तालाब या पार्क व राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उनका जमीन यूज बदला ही नहीं जा सकता, जबकि अभिलेखों में आज भी तालाब दर्ज है, इन्हें रीवा विकास योजना में लिया ही नहीं जा सकता, फिर स्कूल या प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कैसे हो गया। साथ ही छोटी पुल के बगल में नदी के टापू को रीवा विकास योजना 2010 में शामिल किए बगैर सिर्फ फॉरेस्ट विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर किसी निर्माण एजेंसी को 35 वर्ष के लिए इको पार्क होटल का निर्माण कराया जा रहा है। शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्री मिश्र ने कहा कि TNCP के मैप में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बताई गई भूमि स्वीकृत नक्शे से हटकर 60% भूभाग में अस्पताल का निर्माण कैसे करा दिया गया। साथ ही समदड़िया बिल्डर व अन्य को पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत कौड़ियों के दाम लुटाई गई भूमि का आवंटन विकास योजना 2010 में लिए बगैर कैसे प्राप्त कर दिया गया। इसी तरह से किसान नेता सुब्रत मणि ने भी रिंग रोड फेस टू पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की जमीन को सुनियोजित ढंग से हड़पा जा रहा है, किसान सड़क पर आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन के निर्माण के समय 71 हेक्टेयर जमीन रेलवे ने ले लिया। इसी तरह से कई कॉलोनियां बसा दी गई जहां अब किसानों की कृषि योग्य भूमि को कमर्शियल बता दिया गया है। किसान कमर्शियल टैक्स को अब कहां से देगा, आपको सुनाते हैं किसान नेता सुब्रत मणि और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। प्लान का प्रारूप प्रकाशित हो गया है, अंतिम तारीख 30 तारीख है। हमने जब वहां के अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कहें जानकारी कहाँ है, प्रारूप कहाँ है, कहीं दीवार में ले लीजिए, हम आपको दीवार का वीडियो दे देंगे, दीवार में बड़ा मैप लगा दिया, दीवार में आप देख लो। और रंग बिरंगी जैसे मांग सिंदूर में भरा जाता है, एक रंग से भरा जाता है, लेकिन अनेक रंगों में किसानों की मांग माननीय जी ने यहाँ से भर दी है। 48 गांव 20 पंचायत कमेटी में सरपंच, 20 गांव के सरपंच हैं कमेटी में, समझिए आप। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं जिला पंचायत, माननीय रीवा विधायक हैं, महापौर हैं, संसद जी हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा ये। आप ये सोचिए, हमने इनसे मांग की 26 तारीख को हमने एक ज्ञापन दिया, आपको दिखलाते हैं, 26 तारीख को हमने इनको एक चिट्ठी दी कि ये हम 25 को गए हैं, 26 को दिया इनको कि पूरे पंचायतों में जो 20 गांव हैं, माने 20 पंचायतें, सब में प्रारूप लगाइए, पटवारी को बुलाइए, नक्शे खसरे में उनके कौन सा कलर भर रहे हैं ये उनको बतलाइए। किसी ने कुछ नहीं किया। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कार्यालय से कलेक्टर रीवा को मेल आया, वो आपको हम दिखला सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में है। तो कलेक्टर रीवा को उन्होंने मेल किया और हमें उन्होंने कहा कि आप संबंधित जन से जाके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब के पास तो शायद टाइम ही नहीं रहता, हम तो आज तक मिले ही नहीं हैं, तो उनसे हमने मुलाकात नहीं की। ये आप देख सकते हैं किसान सुब्रत CM मुख्यमंत्री को कि माने ये डेट बढ़ाई जाए, मेल किया। एक सेकंड। हाँ जी। आप की भूम पूरी तरह खत्म हो रही है, आप देख लीजिए रीवा शहर से लगे हुए गांव देख लीजिए। रीवा में हम लोगों का स्टेशन बना, रेलवे स्टेशन 71 हेक्टेयर से अधिक जमीन रेलवे स्टेशन में चली गई, गुढ़ार और रामकुई की जमीन। उसके बाद वहां पे शिल्पी की एक कॉलोनी बन रही है, AKRR स्काई होम बन रहा, निर्मल सिटी बन गई, पूरी जमीनें खत्म हो गई। हम खुद किसान हैं, हम खुद किसान हैं, हमारी जमीनों में उद्योग लिख दिया गया, हमारी एक भी इंच सब आवासीय और उद्योग लिख दिया गया यहाँ। और फिर आपको बता दें इस प्रारूप में क्या है, आप लोग पूछ रहे थे, इस प्रारूप में ये है कि सरकार को आय का स्रोत ढूंढना है, सरकार को खसरों में जो ये नम अब न, माने ये लिख जाएंगे नंबर, माने ये जो कलर भर दिए जाएंगे वही भूमि का उपयोग माना जाएगा और उसी हिसाब से किसानों को राजस्व देनी पड़ेगी, लगान उगान नहीं, उसी हिसाब से। तो कौन सा किसान अपनी जमीन बेच के राजस्व देगा जब उसकी जमीन में 50 एकड़ जमीन में आप उसे आवासीय लिख दोगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये सिर्फ प्लान ये है,
कि किसान को परेशान है सब किसान, कहते हैं मैं क्या करूं भाई, क्या करूं भाई। फिर आप सोच सकते हैं इनसेट से नक्शा बनता है, इनसेट से नक्शा बनाया गया है, प्रारूप में आप पढ़ लीजिए। तो जो नक्शा पटवारियों का है, गांव की पटवारियों का, वहां ढर्रे हैं, मकान बने हुए, उन्हें किसी ने देखा नहीं है। इनसेट से जहां मतला है वहां से रोडे डाल दिए हैं, 18 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। तो पहले तो जिला प्रशासन ये करे कि नक्शा तरमीम कराए, पंचायतों में जाके देखे कि कहां क्या है, कहां मौके में क्या है। आप हमारे अभी भाई कह रहे थे कि चौड़ा हो जाएगा तो आपको आपत्ति है, आदरणीय अध्यक्ष जी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं जो चौड़ाई का प्रारूप है, फोर्ट रोड है, स्टेचू चौराहा फोर्ट रोड, आप जानते हैं इसके स्कूल 9 मीटर से वो 12 मीटर होगी, 9 मीटर से 12 मीटर एसके स्कूल वाली रोड। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने नगर निगम से क्या परमिशन नहीं ली है। हम तो ये कहते हैं कि गांव के लोग तो स्थिति के बिचारे नहीं जान पाए कि हमारे खसरों में क्या रंग बिरंगा कर दिया गया, लेकिन शहर के लोगों का जब मकान गिरेगा तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे शहर में क्या होने जा रहा है। नगर निवेश लिखा हुआ, नगर एवं ग्राम निवेश, तो गांव को समाप्त करके शहर कब तक बसाओगे भैया? मॉडल रोड की धूल खाते हुए लोग का 4-4 घंटे जाम में फंसे रहे हैं, अरबों खरबों की रोड बन गई, हमारे जिला प्रशासन क्यों नहीं करता उनके ऊपर कार्रवाई? हम लोगों 2015 में हमने जाम किया था रोड के लिए, तो हमारे पर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा लगा था, उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम तो ये कहते हैं कि जिला प्रशासन आम आदमी को निरीह समझता है, और मंत्रियों के इशारे पर, यहाँ के राजनेताओं के इशारे पर ये मास्टर प्लान बनाया गया है जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। हर गाँव में पूरी सूचना दीजिए, गांव में लगाइए, किसानों को बताइए कि उनके खतरे में क्या कहां प्रावधान कर दिया गया। आप सोच सकते हैं यहां कितना बड़ा खेल हो रहा है, आप सोच लीजिए, एक मंत्री का बेटा, सुन लीजिए भाई साहब, एक मंत्री का बेटा किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, आप देखें किसान आंदोलन में, और यहां हमारे यहाँ के, अब हम क्या नाम लूं, आप अग्डाल चौरहटा चौरहटी चले जाइए, 20 सालों से लोगों की जमीनों में रजिस्ट्री में रोक लगा दी गई, वो किसान अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते और जमीन नहीं बेच सकते, क्यों ऐसा किया जाता है? यहाँ नहर के नाम पर कह दिया, नहर आ गई, विकास हो गया, यहाँ बाईपास, इतनी रोड, आउटर रिंग रोड बन रही है जो अभी फेज 2, उसमें सिलपरा से लेके कितने किसान विस्थापित हो रहे हैं बेचारे, उनके घर जा रहे हैं, उनमें लिखा गया है कि ये नेशनल हाईवे का छूटा हुआ भाग। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कब थी नेशनल हाईवे? सिलपरा से बेला से केमार से निश्रल हावी थी सिलपरा तक। ये टाउन एंड कंट्री प्लान पूरी तरह से हमें किसानों को पूरी तरह से मंजूर नहीं है। हर गांव में कैंप लगाए जाए, खसरों में क्या लिखा किसानों को बताया जाए, उसके बाद प्लान फाइनल किया जाए। अब आप ये बताइए कि एक बार ये अनुमोदित हो गया, अनुमोदित होकर दस्तखत हो गया, इसके बाद आप लड़ते रहिए मुकदम, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, उससे क्या? और किसी को कुछ पूछूं, ये फोर्थ पॉइंट जो है ये 2018 से प्रासंगिक है, फोर्थ पॉइंट ये 2018 के इलेक्शन का सबसे बड़ा एजेंडा था, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद ये पॉइंट जमदोद हो गया था, सबके सामने है, मतलब इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इवन व्हेन जब आपकी गवर्नमेंट थी तब सबसे ज़्यादा इस पे कोर्स ऑफ एक्शन होना था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से जो रिवर फ्रंट का मसला है, ये भी उस समय प्रासंगिक था, जब आपकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया, प्रभारी मंत्री थे, ये दोनों मैटर्स क्यों दब गए उस समय? मैं बोलता, बहुत अच्छा उत्तर आपको दूंगा, अब मुझे बोलने दीजिए। वर्तमान विधायक का चुनाव जीत जाना इस बात को प्रूव करता है कि जिसको हम कहते थे कि रीवा लुट रहा, रीवा बिक रहा, तो जनता ने कहा ठीक बिक रहा, हमें मंजूर, उसका वोट दे देना और उसको करना, इसका मतलब एक, चाहे वो कितने 2% 5% जो भी हो, आखिर जनता उस पक्ष पे खड़ी थी। उस बात को लेकर मैंने कभी उसमें छेड़छाड़ नहीं की, हमने देखा कि मैंने अपनी ड्यूटी की, और यदि जनता को यही स्वीकार हो, अपने वोट से सिद्ध कर रही है, तो उसमें अब जब ये नया, अगर मुझे उस दिन समिति में ना बुलाया जाए तो मैं अभी भी इसमें कोई बात नहीं करता, लेकिन मैंने समिति में गया, देखा कि अब जो ये नए जा रहे, तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर रखा है, मैंने नदी का उदाहरण, मैंने नदी को प्रासंगिक नहीं बनाया, मैंने नदी को उदाहरण दिया है कि 50 को अगर 30 किया जा सकता है, जो कि नियम में कैसे भी नहीं है, तो इनको क्यों नहीं किया जा सकता? एक हमने कंपेटिव दिया है, मेरा टारगेट ये नहीं है उनको जो करना है कर लें, मैंने तो एक उदाहरण दिया है कि आप नियम से हटकर 50 मीटर को 30 मीटर कर सकते हो, तो बाकी रीवा वालों की क्यों जान लिए ले रहे हो, उनका भी सुधार सकते हो। इसी बात के लिए मीटिंग हो रही है, इसी बात के लिए 11 तारीख को फिर से वो होना है कि इसमें लोगों को राहत मिले।
रीडेंसिफिकेशन के काम तो मध्य प्रदेश में और जिलों में भी चल रहे हैं। अब नहीं दिए जा रहे भोपाल में अभी अब नहीं दिए जा रहे। फिर दूसरा, अब लोक संपत्ति विभाग का गठन कर दिया गया है, वहाँ से ओपन एक्शन होता है। मैंने खुद शहडोल का डिपो का लिया था, आपको पता है ना, जिसको कि फल बाद में हमें बहुत महंगा लगा, तो मैंने अपनी अर्नेस मनी फोरफिट करा दी। सभी लोग उसमें अच्छी कीमत मिलती थी। अब आप ये समझिए, जैसे सिरमौर चौराहे में जो जमीनें 1800 के भाव गई थी, 1800 रुपये और 2200 रुपये के भाव से गई थी, उनमें आज एक फ्लोर का एक दुकान की कीमत 24,000 रुपये, आप समझ रहे हैं, उतने में बिक रही, तो मतलब कितने गुना का अंतर है। और वही चीज़ अगर ओपन एक्शन में होती है तो मेरे जैसे लोगों को अपनी अर्नेस मनी फोरफिट करानी पड़ती कि भैया एकदम महंगा है। तो जनता तो गवर्नमेंट को फायदा होता है, इसलिए गवर्नमेंट अब लोक परिसंपत्ति विभाग से ही जमीनों का कर रही है अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए। हमें लगता है रीवा के अलावा और कहीं नहीं हो रहा पुनर्घनत्वीकरण। आप बताइए, आपको नहीं लग रहा कि आपने 2035 को उसमें जिक्र है कि विकास योजना बनाई जा रही है, तो भविष्य में 4 मीटर को 9 मीटर भी किया जा सकता है, क्या ये इस तरह से अगर हो रहा है तो क्या गलत है? यही मेरा ये कहना है कि अगर 50 मीटर को 30 मीटर किया जा सकता, जो कि एकदम नई इस किताब में एक्ट है, एक्ट में ही नहीं, नदी को तो किया ही नहीं जा सकता। और नदी नालों का 4.5 से 6 मीटर दिया हुआ है और अभी तक चल रहा था। अब आप बताओ, मैया में आप बना दोगे, घोघर में आप बना दोगे, ये झिरिया में आप बना दोगे, इनके अगल बगल जितनी बस्तियां बसी, ढेकाह में आप बना दोगे, कितने लोग जाएंगे? 4.5 से 6 मीटर में अभी हैं। अब और उसी के हिसाब से उन्होंने नगर निगम से नक्शा मंजूर कराया हुआ है, अब उनको 9 मीटर कर दोगे, 3 मीटर मतलब 10 फीट, जहाँ जिसके घर में चाहो वहाँ फीता लगा दो कि तेरा घर आ रहा है, वहाँ जोड़े द्वार में खड़ा है कि साहब बख्श दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल इतना कर लो कि जैसा चल रहा है, जो अनावश्यक छेड़खानी मत करो, जैसा लोग चल रहे हैं उसको, उनको कम से कम राहत से रखो। और नदी को आप जो उल्टा काम कर रहे हो, तो मैंने एक उदाहरण बताने के लिए और कुछ है। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।